नमस्कार। सबसे पहले आज मैं आप सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूं। सभी को किस्सा गोई परिवार के हमारे सभी सुधी श्रोताओं को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक। पवित्र माह रमजान का कल आखिरी दिन भी था, रमजान का आखिरी जुमा भी था, चांद रात भी थी। कल यहाँ लखनऊ में फिरंगी महली साहब ने ये डिक्लेयर किया कि चांद दिख गया और आज ईद मनाई जाएगी। तो उसके बाद आज ये भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे के घर लोग जाएंगे, साल भर के सबसे अच्छे पकवान बनाए जाएंगे, साथ बैठ के खाए जाएंगे, एक दूसरे के घर आ जाके खाए जाएंगे। तो इसी भाईचारे के संदेश के साथ जो ईद देता है, जो रमजान पाक का महीना देता है, सब्र की बात जो वो सिखाता है, शुद्धता की बात जो वो बताता है, आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत रहा जाता है जहां पानी पीना भी गुनाह है, ऐसे में भाईचारे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नातेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, उसी भाईचारे से आप ईद का त्यौहार सकुशल मनाया होगा आपने। इसी शुभकामना के साथ मैं आज के वाक्य के बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है मंदसौर। 29 मार्च 2023 को मंदसौर जिला मुख्यालय के संत कंवर राम कॉलोनी में रहने वाले भगवान दास होतवानी की अपनी ब्रेड की दुकान है, अपना बिजनेस है उनका ब्रेड का, अच्छे कारोबारी हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। 29 तारीख को अचानक सवेरे सवेरे हल्ला होता है कॉलोनी में कि वैशाली यानी सबसे बड़ी लड़की छत से गिर गई और छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। घरवालों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और पुलिस ने वो सारा मौकाए वारदात सब देखा और प्राइमा फेसी वो यही लगा कि शायद ये किसी वजह से छत से फिसल गई। मां लीना जब उसकी चीख पुकार सुनती हैं तो बाहर आती हैं, देखा वो गिरी हुई थी, लहू लुहान थी, चारों तरफ खून निकल रहा था। पिता, सभी बहनें और भाई भाग के आए, उसे सिद्धि विनायक हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तमाम जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घर वाले ऊपर भी गए, पुलिस वाले भी ऊपर गए और अक्सर ऐसा होता था कि वो फोन से बात करने के लिए, घर के भीतर कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम थी तो फोन पर बात करने के लिए छत पर चली जाती थी। लोगों को ऐसा लगा कि शायद छत से बात करते करते जो ऊपर एक जगह जहां पर उसकी रेलिंग या मुड़ेर छत की नहीं थी, वहीं से संभवतः स्लिप होकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस भी मुतमईन थी, घर वाले भी मुतमईन थे, इसलिए उसको सीधे सीधे बिना पोस्टमार्टम कराए हुए सीधे सीधे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार गमगीन था, ये लड़की बड़ी थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और बीते साल भर से वो ऑनलाइन ट्रेडिंग शॉप पर काम कर रही थी जहां उसको 7,000 या 8,000 रुपए प्रतिमाह मिलते भी थे।
इससे बाकी भाई बहनों का की फीस वीस का खर्चा ये सब निकाल लेती थी और होशियार थी। उसकी होशियारी की वजह से ही घर वालों ने अपने व्यवसाय से संबंधित जो काम धाम है, हिसाब किताब करना, रुपए पैसे का हिसाब किताब करना, बैंक के अकाउंट या पासबुक उसी के पास रहती थी, घर की अलमारी की चाबियां भी उसी के पास रहती थी। दो कारण थे, एक पढ़ी लिखी थी, दूसरा होशियार थी, तीसरा और बड़ा कारण ये था कि घर में सबसे बड़ी और समझदार लड़की थी। परिवार पर दुखों का अंबार टूट पड़ा। हालांकि दो बहनें और थीं उससे छोटी और एक भाई भी था। घटना के तीन दिन बाद घर की शायद साफ सफाई का कार्यक्रम होता है, जो रिचुअल्स हैं वहां के या इस बिरादरी के जो रिचुअल्स हैं, होतवानी यानी सिंधी होंगे संभवतः, तो उसके जो रिचुअल्स के हिसाब से उसकी साफ सफाई कमरे की जा रही थी। उसी में वैशाली का मोबाइल फोन मिल गया। मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ था। छोटी बहन उसकी हनी, वो भागते हुए छोटे भाई के, सबसे छोटे वाले भाई के पास आई और बताया कि वैशाली के मोबाइल का पैटर्न लॉक मैंने खोल लिया है। भाई ने पूछा कैसे खोल लिया है। बोले कभी कभार वो जैसे हम बैठे हुए हैं और वो पैटर्न लॉक को जल्दी से खोलती थी, तो हमें कुछ अंदाज था कि मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह का पैटर्न होना चाहिए। चार छह बार मैंने ट्राई किया, खुल गया। खुलने के बाद सब उसी कमरे में पहुंचे और बेटी की तमाम फोटोज जो उसने रखी थी वो देखने लगे। हनी ने उसका व्हाट्सएप ओपन किया कि भाई किस किस तरह के लोगों की के मैसेज थे, कौन कौन इसके दोस्त थे, कौन इसके शुभचिंतक थे, ये सब जानने के लिए, ताकि सबको इन्फॉर्म किया जा सके कि अब वैशाली की मृत्यु हो गई है। वैशाली ने अपने ही दूसरे नंबर से, तीन व्हाट्सएप मैसेज उस पर किए थे। नंबर देखा गया तो नंबर था बाफना जीनिंग फैक्ट्री का के रहने वाले अजय, पिता का नाम हेमंत रोचवानी। तीनों मैसेज जब पढ़े तो घर वालों के होश उड़ गए। जिसे वो एक हादसा समझ रहे थे, दरअसल वो हादसा नहीं था। रात में 1:10 पर पहला मैसेज था। मैं मैसेज पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि अगले सीक्वेंस ऑफ इवेंट में क्या हुआ होगा। मैं वैशाली होतवानी सुसाइड करने जा रही हूं। मैंने अजय को मेरे घर का सारा गोल्ड दे दिया है। उसने सट्टे में हार कर सारे पैसे खत्म कर दिए हैं। मुस्तफा सर से अजय के लिए 1,00,000 रुपए मैंने उधार लिए थे, वो भी वो सट्टे में हार गया। मैं बहुत परेशान हूँ, वह मुझे रुपए दे नहीं रहा है, मुझे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद उसे बहुत बड़ी वाली सजा दी जाए। मेरी गलती की सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ। ये पहला मैसेज था 1:10 पर। दूसरा मैसेज था 1:16 पर। सॉरी मम्मी पापा, मुझे यह कदम उठाना पड़ा, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। बस यही ख्वाहिश है कि आप हमेशा खुश रहना और मुझे माफ कर देना, बस यही चाहिए। हनी सॉरी, तेरे बर्थडे पर मैं साथ नहीं रह पाई, मुझे सब माफ कर देना प्लीज, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे और सहन नहीं हो रहा है।
तीसरा मैसेज रात 1:21 पर, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि सबको हैंडल कर पाऊं, इसलिए मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। आप सब खुश रहना। अजय से सारे पैसे लेना सूद समेत, उसकी वजह से आज मैं .. उसके घर वाले भी मिले हुए हैं, सब ने मिलकर मुझे लूटा है, बी केयरफुल। ये मैसेज देखते ही सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। 1 अप्रैल को वैशाली के पिता श्री भगवान दास होतवानी इस मोबाइल और मैसेज को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर इंचार्ज को ये मैसेज दिखाए। इंस्पेक्टर ने फौरन उन मैसेज के टाइम और डेट की स्टैंपिंग देखी। उसका जो एक मोबाइल था, उस मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे जो मैसेज गए थे, दोनों मोबाइल उन्होंने चेक किए और उन्होंने कहा आपकी बात सही है, आप एक दरखास्त तुरंत लिखिए, एक एप्लीकेशन तुरंत लिखिए, ये हत्या आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बन रहा है। फिर उन्होंने आवेदन लिखा और लिखा कि बेटी की मौत हादसा नहीं थी, उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरी लाडली थी, इसलिए घर में गमगीन माहौल था, तीसरा दिन था तो रिवाज के अनुसार घर की साफ सफाई की जा रही थी और इसी बीच में कमरे में उसका मोबाइल मिला। पिता ने ये बताया कि मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उसने हमारे सारे पुश्तैनी जेवर और नकद रुपए भी हड़प लिए। उस समय तक जब उन्होंने ये मैसेज देखा था कि हमने सारे जेवर उसको दे दिए हैं, उस समय तक घर वालों को ये पता नहीं था कि घर में जो जेवर रखे थे पुराने पुश्तैनी, जो बाबा दादा के ज़माने के, लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नहीं बेचते हैं, कितनी भी तकलीफ आ जाए, माँ का, दादी का और उधर बाबा का और पर बाबा पर दादी का, जो थोड़ा बहुत 1-2 सोने चांदी के जो भी गहने होते हैं वो रखे रहते हैं, उसको कभी बेचते नहीं हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, और उसके बाद जो इकट्ठा होता है वो भी सब घर में ही रखा रहता है। तो उन्होंने बताया कि सारे पुश्तैनी जेवर, ये मैसेज पढ़ने के बाद हम लोगों ने अलमारी में चेक किया, एक भी पुश्तैनी जेवर और एक नया पैसा नगद घर में नहीं रह गया, वो सब मेरी बेटी वैशाली ने अजय को दे दिए थे। इस पिता के इस उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर अजय रोचवानी और उसके पिता हेमंत रोचवानी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की जो धाराएं हैं 306 और 34 IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वैशाली के परिजनों का आरोप है कि अजय और वैशाली साथ साथ काम करते थे, संभवतः यही दोनों की दोस्ती बढ़ी और उसकी बेटी को प्रेम जाल में उसने फंसा लिया। अपने झांसे में लेने के बाद उसने बेटी से धीरे धीरे करीब 20 लाख रुपए कीमत के पुश्तैनी गहने हड़प लिए। बेटी ने घर से चोरी करके ये सारे गहने, चोरी करके या उसे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे बाप बाप ने जब अलमारी की चाबी मुझे दे रखी है तो जब वो पूछेंगे तब हम बताएंगे, तब तक इसने उधार मांगा है, उधार से ये पूरा करके हम पुनः इसको वापस कर देंगे तो कभी किसी को शक नहीं होगा। फिर उसने बताया कि उसके बाद भी इसने अपने पैसे और बाहर अपने जानकार लोगों से उधार पैसे लेकर करीब 5.5 लाख रुपए नगद भी दिए थे। घरवालों ने कहा, हम लोगों ने जब पता किया तो पता ये लगा कि अजय को सट्टे की लत है, क्रिकेट और IPL सट्टे में वो वैशाली के दिए हुए गहने और रुपए सब हार गया। वैशाली चूंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग शॉप पे काम करती थी, वो
उसका भी आधा पैसा इकट्ठा करती रहती थी, वो भी उसको दे दिया गया। बाजार से भी उठाकर कुछ उन लोगों ने पैसे उसने अजय को दिए थे, और ये सारे पैसे वो सट्टेबाजी में हार गया। इसीलिए अच्छा, उसके बाद जब इसने ये कहा वैशाली ने कि भाई अब मुझे 1,00,000 रुपए जो सर के हैं वो मुझे वापस करने हैं, उनका 2 बार मैसेज भी आ गया और रिमाइंडर भी आ गया कि उन्हें पैसे की जरूरत है। 2-3 बार कहने के बाद अजय ने धमका दिया कि जब मैंने तुमको बता दिया कि मैं सारे पैसे सट्टे में हार गया हूं आईपीएल के, क्रिकेट के, तो कहां से मैं पैसे दूं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैसेज अब पैसे अब मैं नहीं दे पाऊंगा। उसी के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई। लोग जिनसे उसने थोड़े मोड़े किसी से 20,000 किसी से 50,000 रुपए बाजार से या ऑफिस के सहकर्मियों से लिए थे, उनको वो झूठ साँच जवाब देकर दिन भर इसी चक्कर में परेशान रहने लगी। मुस्तफा सर का जो 1,00,000 रुपए था वो फिर उन्होंने बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने रिमाइंडर भी दिया, 2 मैसेज भी किए, लेकिन वैशाली ने ये कभी नहीं बताया कि वो मैंने अजय से अजय को दिए हैं और वो हमें पैसा वापस नहीं दे रहा है। अंकल का ये कहना है, लड़की के अंकल सुरेश होतवानी, उन्होंने ये बताया कि अजय आईपीएल सट्टा लगाता था, हो सकता है उसके पास बेटी का कोई वीडियो हो, जिस डर से उसने हमें कुछ नहीं बताया। भाई को बड़े पिताजी की यह पैतृक बड़े पिताजी ये पैतृक संपत्ति दे गए थे, अजय को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बात कुछ हद तक सही लगती है कि घर का इतना पैसा लुटाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा मांगता गया, अपना जो बहाने बनाता था कि ये हार गया हूँ अगली बार लगाऊंगा, फलां के साथ अब खेल रहा हूँ, अब की बार जीत जाऊँगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, बहकाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके उसके पास बिल्कुल 1 नया पैसा न घर का रह गया न उसका अपना रह गया। तो उनके चाचा सुरेश होतवानी का जो कहना है कि हो सकता है मेरी बेटी की कोई फोटोग्राफ आपत्तिजनक या वीडियोग्राफ उसके पास हो, जब पैसा लौटाने के लिए या और पैसा ले आओ नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, शायद इसी के डर से वो बेचारी सब कुछ उसे सौंपती चली गई। और घर वालों को लेश मात्र भी इस बात की जानकारी नहीं थी, और उस दिन घटना वाले दिन भी परिवार के किसी भी व्यक्ति ने यह शंका नहीं की कि यह हादसा नहीं आत्महत्या है। इसीलिए लाश का न तो पोस्टमार्टम कराया गया न ही पुलिस को उन्होंने कोई बयान दिया, और वापस चली गई थी पुलिस। फिर जब वो मोबाइल में मिला कि वो अजय से परेशान थी, तब जाकर पूरी बात पता लगी। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार करके शनिवार को शनिवार यानी ये हुआ 2 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी तक लड़के का पिता अभी भी फरार है। लड़के और लड़की के मोबाइल की जांच साइबर सेल कर रही है, इसमें चेक किया जाएगा डिटेल में कि कौन मैसेज किसको कहां कहां भेजे गए थे, लेकिन एक चीज तय हो गई कि अजय सट्टे पर बहुत पैसा लगाता था। सट्टा खेलने के लिए आजकल ऐप चला हुआ है, आप जो पैसा लगाएंगे उसका भी अपडेट, कितना जीते हैं उसका भी अपडेट, कितना हारे हैं उसका भी अपडेट, और पिछले 1 महीने में आपने इस सट्टे में जिसके लिए आप खेल रहे हैं आईपीएल में, तमाम वो जो पंटर्स होते हैं उनके लिए आदमी खेलता है, तो उसका सबका ऐप उसकी मोबाइल में
इंस्टॉल्ड मिला। तो इसीलिए वैशाली ने उसको नकदी और ज्वेलरी दे दी थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्लैकमेल करने की कोई सामग्री अजय के पास रही हो। बाप अभी मिला नहीं है, बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना, आज की घटना में एक फरेबी आशिक की वजह से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली, जान दे दी। पढ़ी लिखी थी, सब जानती थी, पर उस फरेबी की बातों में आ गई, प्रेम पाश में इतना जकड़ी हुई थी कि फंसती चली गई और अंत में जान ही दे दी। बड़े मार्मिक हैं उसके ये तीनों मैसेज। उसे घर वालों की फिक्र, उसे भाई की फिक्र, उसे अपनी रेपुटेशन की फिक्र, उसे अपने धन की फिक्र, हर चीज की फिक्र उसे सता रही थी। और जब उसने देखा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है, तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे संबंधों में मैं कई घटनाओं के सिलसिले में बता चुका हूं कि लड़कियां ही छली जाती हैं। लड़कियां ही धोखा खाती हैं और जान से हाथ धो बैठती हैं। ऐसा क्या हो गया ऐसे प्रेम संबंध में कि घर की सारी धन दौलत लुटा दी वैशाली ने अजय के ऊपर? कुछ न कुछ बात तो जरूर रही होगी। मेरे विचार से, मेरी इतनी जानकारी से, या जितनी बार मैं बता चुका हूं कि लड़कियों को ना कहने की आदत नहीं है, जबकि समय ऐसा आया है कि एक सीमा के बाद लड़कियों को ना कहने की आदत सीखनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे ही धोखा खाती रहेंगी। एक सीमा के बाद, वो चाहे जिस चीज की सीमा हो, एक सीमा के बाद उन्हें सख्त होकर स्ट्रिक्टली ना कहना होगा। देखिए, चाय पानी नाश्ते तक तो बात ठीक है, कभी उसने खर्च किया, कभी तुमने खर्च किया, लेकिन जब पैसे की बात आ जाए, जब गहने की बात आ जाए, तो साफ ना कहना होगा, हर हाल में कहना होगा। पैसे की दोस्ती या पैसे रुपए का संबंध कभी टिकाऊ नहीं रहा। इतने मैंने आपको अपराध की घटनाएं बताई हैं, आपने देखा होगा जहां इस तरह के प्रसंग में, इस तरह के संबंध में पैसा या धन बीच में आया, या पैसे या धन की दोस्ती हुई, तो वो संबंध कभी टिकाऊ नहीं रहा। इतिहास भी इसका साक्षी है, तमाम उदाहरण इतिहास में भी भरे पड़े हैं। ऐसे रिश्ते चाहे जितने निकट के हों, चाहे जितने दिल के करीब हों, धन के बीच में आते ही ये रिश्ते टूटने लगते हैं, दरकने लगते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।